हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं पिंक कलर का ब्यूटीफुल सा यूनिक सा नेक पीस। तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने व्हाइट कलर की शीट ली और उसके अंदर लीफ को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। मैंने चारों लीफ हैं वो अलग अलग साइज के लिए हैं, उसके बाद हम उसे सीजर से कट कर लेंगे। बेस के लिए मैंने ये व्हाइट रोल लिया है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है इसीलिए हमारा जो नेक पीस है वो शेप को होल्ड कर पाएगा। नेकलेस बनाने के लिए हमें राइनस्टोन का यूज करना है, तो राइनस्टोन मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर की ली है। जो बेस हमने कट किया था उसके ऊपर मैं शीट को रखूंगी और सेम उसी पैटर्न को ड्रॉ करूंगी। राइनस्टोन को अटैच करने के लिए ग्लू का यूज लेंगे और साथ में कटर प्लायर की हेल्प से इसे कट करेंगे। तो साइड साइड में मैंने ग्लू अप्लाई किया और उसके ऊपर राइनस्टोन चेन को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया था उसके ऊपर की साइड ही हमें राइनस्टोन चेन लगानी है, नीचे की साइड हमें राइनस्टोन चेन नहीं लगानी है। मतलब मैं हाफ पार्ट में ही चेन लगा रही हूँ, नीचे के पोर्शन में नहीं लगाऊंगी। अब अंदर की साइड में वापस ग्लू को अप्लाई करूंगी और राइनस्टोन चेन की सेकेंड लेयर लगाऊंगी। दोनों चेन कम्प्लीट करने के बाद साइड से इसे मैं कटर प्लायर की हेल्प से कट कर दूंगी। तो फाइनली एक लीफ का काम हमारा हो गया है। नेक्स्ट जितनी भी लीफ है उनके लिए मैं यहाँ पे फॉर्म शीट का यूज ले रही हूँ, क्योंकि बेस हमारा हार्ड हो गया है तो आगे की जो लीफ है वो हम सॉफ्ट शीट ले सकते हैं। बाकी के जितने भी पैटर्न थे उनको भी मैंने शीट के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। सेकेंड नंबर की जो बड़ी वाली लीफ थी उसके ऊपर मैं राइनस्टोन चेन को लगाना स्टार्ट करूंगी। इस लीफ के ऊपर भी मैं हाफ पोर्शन में ही राइनस्टोन चेन लगाऊंगी। मैंने ये नेक पीस है वो सिल्वर कलर में बनाया है। अगर आपके पास गोल्डन कलर की राइनस्टोन है तो आप गोल्डन कलर से भी बना सकते हो, पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा। सेकंड लीफ के ऊपर भी मैंने डबल राइनस्टोन चेन लगा दी है। अब हमें थर्ड लीफ के ऊपर राइनस्टोन चेन लगानी है, तो मैं यहाँ पे थर्ड लीफ पे भी डबल लेयर लगाऊंगी राइनस्टोन चेन की। हमें थर्ड और फोर्थ जो लीफ है उसको पूरी लीफ पे ही हमें राइनस्टोन चेन लगानी है, ना कि हाफ पे हम राइनस्टोन चेन लगाएंगे। अगर आपको भी मेरी तरह ज्वेलरी बनाना पसंद है तो ज्वेलरी मेकिंग के लिए जो भी बेसिक मटेरियल होता है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। अब हमारी लास्ट लीफ बची है जिसको भी मैं डबल लेयर लगा के कंप्लीट कर लूंगी। तो चारों हमारी जो लीफ थी वो बनके रेडी हो गई है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम इन्हें सीजर से कट करेंगे। कट करने से पहले आप थोड़ी देर इसे ड्राई होने के लिए रखना, फिर ये इजीली अच्छे से कट हो जाएगी। नेकलेस बनाने के लिए हमें यहाँ पे पिंक कलर के बीट्स एंड पिंक कलर के सीक्वेंस चाहिए और इनको अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे नायलॉन थ्रेड का यूज कर रही हूँ। सबसे पहले जो सबसे छोटी वाली लीफ थी उसके अंदर हम सीक्वेंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे नीचे की साइड दो या तीन, आपको जितना भी ठीक लगे उतने लाइंस के सीक्वेंस लगा लेना। नीडल को नीचे से ऊपर की साइड इंसर्ट करके उसमें सीक्वेंस डालेंगे और थ्रेड को वापस नीचे की साइड ले जाएंगे। सेम इसी तरीके से जो पहला सीक्वेंस लगाया है उसके जस्ट पीछे की साइड हम नीडल को इंसर्ट करेंगे और सीक्वेंस डालने के बाद वापस नीचे की साइड उसे वापस इंसर्ट करेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम एक के पीछे एक सीक्वेंस लगाएंगे। तो मैंने दोनों जो लाइंस थी वो कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें सिल्वर कलर के बीट्स चाहिए। सबसे पहले सिल्वर बीट्स, उसके पीछे हम लाइट पिंक, देन डार्क पिंक, देन उससे भी डार्क पिंक। तो इसी सीक्वेंस में हमें बीट्स को लगाना है। मैंने यहाँ पे पिंक के अलग अलग शेड लिए हैं, आप चाहो तो ब्लू के भी ले सकते हो या फिर जो भी कलर आपको पसंद है उसके अलग अलग शेड्स ले सकते हो। हमने बीट्स की जो स्ट्रेट लाइन लगाई है इसमें बीच बीच में हम नॉट लगाएंगे ताकि हमारे बीट्स हैं वो निकले नहीं। तो एक साइड से थ्रेड को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी, इस टाइप से हमारी नॉट लगेगी। तो दो या तीन आप नॉट लगा लेना। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ग्लू की हेल्प से भी इन्हें अटैच कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे उस तरीके से बीट्स को लगा लेना। मैंने यहाँ पे थ्रेड की हेल्प से लगाया है, आप देख रहे हो ये वाले मैं थ्रेड की हेल्प से लगा रही हूँ। आगे अगर मैं ग्लू की हेल्प से लगाऊंगी तो वो भी आपको बता दूंगी। एक एक करके मैं सारी फिलिंग कंप्लीट कर लूंगी। तो हमारी एक जो लीफ थी वो बन के रेडी हो गई है। अब मैं बड़ी वाली लीफ पे बीट्स लगा रही हूँ। नीचे की साइड हमें बीट्स नहीं लगाने हैं, जहाँ जहाँ पे हमने राइनस्टोन चेन लगाई है वहीं पे हम बीट्स को लगाएंगे। बड़ी वाली जो लीफ है उनको मैंने पीछे से राइनस्टोन चेन नहीं लगाई है, क्योंकि वहां से हम एक लीफ के ऊपर दूसरी लीफ रख के इनको अटैच करेंगे, तो वहां पे राइनस्टोन चेन और बीट्स लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो वैसे ही छुप जाएंगे। छोटी वाली जो लीफ थी उनके ऊपर बीट्स को मैंने थ्रेड की हेल्प से अटैच किया था। यहाँ वाली जो लीफ है उसके ऊपर मैं बीट्स को ग्लू की हेल्प से अटैच कर रही हूँ। तो नीचे की साइड मैंने ग्लू लगा दिया है, उनके ऊपर मैं बीट लगा रही हूँ और थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये इनसे अटैच हो जाएगी। एक एक करके मैंने जो चारों लीफ थी उनके अंदर बीट्स को लगा लिया है। इसके बाद हम इसे सीजर की हेल्प से कट करेंगे। इजीली ये कट हो जाती है क्योंकि शीट बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे कट करने में। मैंने सारे स्टेप्स हैं वो एक एक करके समझाए हैं। अगर फिर भी आपको किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। तो एक एक करके मैंने सारी लीफ कट कर ली है। सबसे नीचे हमें सबसे बड़ी वाली लीफ लगानी है, उसके बाद सेकंड नंबर की लीफ है वो एग्जैक्ट उसके ऊपर बीच में लगानी है, ना कि साइड में। हम इसे थ्रेड की हेल्प से अटैच कर देंगे। तो निडल है वो एक साइड से दूसरी साइड आप ले जाना, ये इजीली अटैच हो जाएंगी। थोड़े से हैवी है ये लीफ तो इसीलिए आप 5 से 6 स्टिच लगाना ताकि ये हिले नहीं। ऊपर वाली जो लीफ है उसके कॉर्नर कॉर्नर में आप स्टिचेस लगाना, बीच में तो आप नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन साइड साइड में तो आपको जरूर लगाना है ताकि ये वहाँ पे स्टेबल रहे। नेक्स्ट स्टेप में हम थर्ड लीफ लगाएंगे। तो लेफ्ट साइड में हमें ये लीफ लगानी है, इस टाइप से मैं इसको अटैच करूंगी। और फोर्थ जो लीफ है वो मैं राइट साइड में लगाऊंगी।
एक के ऊपर एक ही लगानी है, लेकिन ऊपर वाली जो दोनों लीफ है आप देख रहे हो, एक लेफ्ट साइड निकली हुई है थोड़ी सी और एक राइट साइड निकली हुई है। पीछे की साइड मैंने थोड़ा सा स्पेस रखा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी मैं इन दोनों को अटैच कर देती हूँ। थ्रेड की हेल्प से ही अटैच करेंगे हम इन्हें, ग्लू की हेल्प से अटैच मत करना क्योंकि ग्लू की हेल्प से स्टिक नहीं होंगी। नीचे वाली लीफ पे राइनस्टोन चेन नहीं लगाई थी, इसीलिए ऊपर वाली जो लीफ है वो 3D इफेक्ट दे रही है, थोड़ी ऊपर की साइड उठी हुई दिखाई देंगी। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको सेकंड पार्ट भी बनाना है। दोनों पार्ट मैंने बना लिए हैं, हम इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, इसीलिए मैंने वो बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ी थी। दोनों पार्ट्स के सेंटर में मैंने ये स्टोन लगाया है, सिल्वर कलर का स्टोन लूंगी। इसको मैं ग्लू की हेल्प से अटैच करूंगी पहले, बाद में थ्रेड की हेल्प से भी लगाऊंगी। बेस में मैंने एक शीट कट की, उसके ऊपर ग्लू लगाने के बाद इन दोनों पैटर्न को वहां पे अटैच करूंगी और थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पैटर्न बचा हुआ है उसको मैं सीजर की हेल्प से कट कर दूंगी। स्टोन की साइड में थोड़ी सी स्पेस होती है, वहां पे मैंने ग्लू लगाया और उसको अटैच करके थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख दूंगी। ड्राई होने के बाद आप स्टोन को थ्रेड से जरूर अटैच करना क्योंकि ये हैवी होता है। हमारा जो पैटर्न था वो ड्राई हो गया है। अब मैं साइड साइड से जो एक्स्ट्रा शीट है उसको सीजर की हेल्प से कट कर लूंगी। कट करने के बाद हमें ये इसकी शेप है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। मुझे तो ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। अब हमें हैंगिंग लगानी है। हमारा जो नेक पीस है वो वी शेप में बन रहा है, तो हैंगिंग भी हम इसी टाइप से लगाएंगे। मैंने यहाँ पे हैंगिंग के अंदर एक ब्लू कलर और ऐड किया है और लास्ट में मैं यहाँ पे पिंक कलर के क्रिस्टल बीड्स लूंगी। एक एक करके हम सारी हैंगिंग लगा लेंगे और हैंगिंग लगाने के बाद हमारा नेक पीस हमें कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें चेन लगानी है। चेन के एंड में मैंने लॉबस्टर हुक को अटैच किया है। चेन लगाने के लिए मैं यहाँ पे हॉट ग्लू गन का यूज कर रही हूँ क्योंकि ये इंस्टेंट ड्राई हो जाता है। दोनों एंड्स पे ग्लू लगा के चेन को अटैच करेंगे। लास्ट पार्ट के लिए हमें फिनिशिंग करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे व्हाइट कॉटन फैब्रिक लिया है। तो फाइनली हमारा जो नेक पीस था वो बनके रेडी हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।